सो so फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैनन पिक्समा जी टू जीरो वन टू स्कैनर कॉपियर प्रिंटर का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू सो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके फ्रेंड्स इस प्रिंटर को मैंने एमेजोन से परेस किया है जिसकी एमआरपी ट्वेल्व थाउजेंड है पर ये मुझे अमेजोन पे नाइन में मिला है तो so फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग एंड बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं चलिए हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं बॉक्स ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रिंटर के साथ हमें क्या क्या चीजें रिसीव हुई हैं यहाँ पे मिला है यूएसबी केबल और एक पावर कॉर्ड और साथ ही हमें मिल जाता है यहाँ पे इंक बॉटल जिसमें है एक ब्लैक इंक तीन कलर बॉटल डाय येलो एंड मजेंडा दो एडिशनल ब्लैक इंक है और साथ ही में मिला है ब्लैक एंड कलर कैटरिंग और इसके अलावा हमें यहाँ पे मिल जाता है यूजर मैनुअल और इंस्टॉलेशन सी तो चलिए अब हम बॉक्स से प्रिंटर को बाहर निकाल लेते हैं सो so फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्रिंटर का लुक काफी अच्छा है ये है प्रिंटर का कंट्रोल पैनल में एक एलसीडी स्क्रीन दिया हुआ है प्रिंटर के बैक साइड में यूएसबी पोर्ट और पावर कॉर्ड का पोर्ट दिया हुआ है ये प्रिंटर का ब्लैकिंग टैंक है और ये कलरिंग टैंक है तो चलिए अब हम देख लेते हैं प्रिंटर का सेटअप तो सबसे पहले हमें प्रिंटर के सारे टेप्स को निकाल लेने हैं ये प्रिंटर का पेपर सपोर्ट है ये स्कैनर है और ये प्रिंटिंग यूनिट है तो चलिए अब हम देख लेते हैं कैटरेज इंस्टॉलेशन इस प्लास्टिक प्रोटेक्टर को आप रिमूव करके डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये ब्लैक प्रिंट हेड कैटरेज है आप देख सकते हैं इसमें बी लिखा हुआ है और ये कलर हेड कैटरेज है जिसपे सी लिखा हुआ है इन दोनों कैटरेज को हमें इस जगह पे इंस्टॉल करना है यहाँ पे आप सी एंड बी देख सकते हैं तो सबसे पहले हम ब्लैक कैटरेज इंस्टॉल कर लेते हैं इसे कवर से निकाल लेते हैं इस कॉपर कॉन्टेक्ट को आप टच ना करें अब नोजल से प्रोटेक्टिव टेप निकाल लेंगे और इस एरिया को भी टच नहीं करना है इस ऑरेंज स्टिकर को भी निकाल लेंगे कैटरेज यूनिट के ब्लू लॉक को अपवर्ड प्रेस करने से ये ओपन हो जाएगा अब ब्लैक कैटरेज को बी साइड में इंसर्ट कर देंगे ऐसे ही हम कलर कैटरेज में से भी ऑरेंज स्टिकर और प्रोटेक्टिव टेप को रिमूव कर लेंगे कलर कैटरेज को भी सी साइड में कर देंगे। अब इस ब्लू लिट को प्रेस करके लॉक कर लेंगे अब ये दोनों ब्लू बटन को प्रेस करके लॉक कर लेना है अब देख लेते हैं हमें इंक टैंक कैसे फिल करना है। ये ब्लैक इंक और कलर इंक के मॉडल नंबर है अब हम ब्लैक इंक टैंक के लिट और रबर कैप को ओपन कर लेंगे चलिए हम ब्लैक इंक को फिल कर लेते हैं बॉटल में जितना इंक है वो इसमें पूरा फिल हो जाएगा अब रबर कैप और लीड को क्लोज कर देंगे तो चलिए अब कलर इंक्स को भी फिल कर लेते हैं यहां येलो टैंक में येलो इंक फिल होगी एम वाले में मैजेंटा कलर फिल करना है और सी वाले में सायन या ब्लू कलर डालना है सारे इंक फिल करने के बाद रबर कैप और लीड को क्लोज कर देना है प्रिंटर को भी हम क्लोज कर लेंगे तो चलिए अब हम देख लेते हैं इंक चार्ज करने का प्रोसेस सबसे पहले हमें पावर कॉर्ड को लगाना है अब प्रिंटर को स्विच ऑन कर लेंगे आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट कुछ देर तक फ्लैश होगा स्क्रीन में जीरो दिखने तक का आपको वेट करना है जीरो आने के बाद स्टॉप बटन को पांच सेकंड तक प्रेस करके रखना है ग्रीन लाइट जैसे ही ब्लिंक होने लगेगी हमें स्टॉप बटन को रिलीज कर देना है इंक चार्ज होने में पांच से छह मिनट का वक्त लगता है डिस्प्ले में वन आने तक का वेट करना है डिस्प्ले में वन शो होने लगे इसका मतलब इंक कंप्लीटली चार्ज हो गया है अब देख सकते हैं इंक टैंक में लेवल कम हो चुका है क्योंकि इंक कैटरेज में ट्रांसफर हो चुकी है तो चलिए कंप्यूटर में प्रिंटर को इंस्टॉल कर लेते हैं ये जो सीडी मिली है हम इसे कंप्यूटर में इंसर्ट कर देंगे यहां सीडी पे राइट क्लिक करके हम इसे ओपन कर लेते हैं अब सेटअप फाइल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है इंस्टॉल प्रोसेस होने में पांच से दस मिनट का समय लगेगा ये स्क्रीन आने पे प्रिंटर के यूएसबी केबल को कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेंगे हेड अलाइनमेंट करने के लिए टेस्ट प्रिंट का ऑप्शन आएगा इसके लिए पेपर इंसर्ट करना होगा इसे इस तरीके से स्लाइड करके हम पेपर को एडजस्ट कर सकते हैं अब हम ए फोर शेट पेपर लोड कर लेंगे अब स्टार्ट पे क्लिक करना है आप देख सकते हैं टेस्ट प्रिंट हो चुका है अब सेटअप प्रोसेस कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट क्लिक करने पे यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर के ऑप्शन आएंगे जिसे आप यहाँ से सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एग्जिट बटन प्रेस करना है चलिए अब हम देख लेते हैं ब्लैक एंड कलर कॉपी हमें कैसे निकालना है प्रिंटर में ऑन बटन प्रेस करना है डिस्प्ले में वन आने तक का वेट करना है डिस्प्ले में वन आ गया है इसका मतलब प्रिंटर रेडी है प्लस बटन पर प्रेस करके नंबर ऑफ कॉपीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें आप एक बार में 19 कॉपीज प्रिंट कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉपी सेलेक्ट करके आपको ब्लैक या फिर कलर में प्रेस करना है स्टॉप बटन से आप इसे रीसेट कर सकते हैं यहाँ पे हमने वन कॉपी सेलेक्ट किया है अब हम पेपर ट्रे ओपन कर लेंगे चलिए अब हम यूजर मैनुअल का एक ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी करके देख लेते हैं इसे स्कैनर में रख के हम ब्लैक बटन को प्रेस कर देंगे आप देख सकते हैं जीरोक्स कॉपी निकल के आ गया है आप देख सकते हैं प्रिंट की शार्पनेस क्वालिटी ओरिजिनल से भी काफी अच्छी है चलिए अब हम सेम मैनुअल से कलर कॉपी निकाल लेते हैं कॉपी करने के लिए हमें कलर बटन प्रेस करना है आप देख सकते हैं ये कलर कॉपी एकदम ओरिजिनल जैसा है चलिए आप देख लेते हैं स्कैनिंग करने का प्रोसीजर हम यूजर मैनुअल को ही स्कैन करके देखते हैं डॉक्यूमेंट के कॉर्नर को इस एरो से अलाइन करके रखना होगा इसमें आप B5, A4 और मैक्सिमम लेटर साइज का पेज स्कैन और कॉपी कर सकते हैं स्कैन करने के लिए कैनन क्विक मेन्यू ओपन करके सबसे ऊपर स्कैन ऑप्शन पे क्लिक करना है इस ऑप्शन में ओके okay प्रेस करना है आप देख सकते हैं स्कैनिंग प्रोसेस हो रहा है आप देख सकते हैं स्कैन हो चुका है और स्कैन की क्वालिटी ओरिजिनल से भी काफी अच्छी आई है चलिए अब हम कलर और फोटो प्रिंट देख लेते हैं हमें यहाँ प्रिंट आइकॉन पर क्लिक कर लेना है फिर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके यहाँ पे फोटो प्रिंटिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है आप यहाँ से फोटो पेपर का टाइप सेलेक्ट कर ले आपके पास ग्लॉसी पेपर या फिर मैट पेपर हो उसमें से एक सेलेक्ट कर लें मैंने यहाँ पे मैट फोटो पेपर यूज किया है तो मैं मैट फोटो पेपर सेलेक्ट कर लूंगी यहाँ प्रिंट क्वालिटी में हाई सेलेक्ट कर लेना है अब यहाँ पे हमें फोटो पेपर का साइज सेलेक्ट करना है यहाँ पे मैंने ए फोर साइज का फोटो पेपर लिया है तो यहाँ मैं ए फोर सेलेक्ट कर लूंगी अब ओके okay पे क्लिक करना है फिर यहाँ प्रिंट पे क्लिक करना है आप देख सकते हैं फोटो प्रिंट निकल के आ चुका है इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है अब हम यहाँ पे नॉर्मल प्रिंटिंग का प्रोसेस देख लेते हैं प्रिंट में क्लिक करके प्रॉपर्टी ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट के लिए आपको ग्रे स्केल प्रिंट सेलेक्ट करना होगा कलर प्रिंट करने के लिए इसे डी सेलेक्ट कर लेंगे मीडिया टाइप में हमें प्लेन पेपर सेलेक्ट करना है प्रिंट क्वालिटी में तीन ऑप्शन होते हैं स्टैंडर्ड में नॉर्मल क्वालिटी का प्रिंट आता है ड्राफ्ट में इंक बहुत कम लगती है और फास्ट ड्राफ्ट प्रिंट आता है और हाई में ज्यादा इंक लगती है और बेस्ट क्वालिटी का प्रिंट आता है हम यहाँ पे हाई सेलेक्ट करके ए फोर साइज का पेपर सेलेक्ट कर लेंगे नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट करके ओके okay प्रेस करना है अब यहाँ प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रिंट यहाँ पे निकल के आया है इसका कलर और क्वालिटी भी काफी अच्छी है चलिए आप देख लेते हैं इस प्रिंटर के एंड कॉन चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एडवांटेजेस। इसका प्रिंट कॉस्ट काफी सस्ता है ब्लैक एंड व्हाइट आठ पैसा और कलर प्रिंट इक्कीस पैसा पर पेज ही होता है इस प्रिंटर के प्रिंट स्पीड ब्लैक एंड व्हाइट के एट एट पेज पर मिनट है और कलर की पांच पेज पर मिनट है इस प्रिंटर में एक बार इंक लोड करने के बाद 6000 ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस या 7000 कलर पेजेस प्रिंट कर सकते हैं ये काफी बजट फ्रेंडली प्रिंटर है जिसमें दो एडिशनल ब्लैक इंक बॉटल्स मिल जाते हैं इस प्रिंटर में 1.2 इंच का मोनोक्रोम एलसीडी डिस्प्ले दिया हुआ है बाकी प्रिंटर के मुकाबले इसमें एक इंटीग्रेटेड इंक टैंक सिस्टम है जो की प्रिंटर को कॉम्पैक्ट लुक देता है साथ ही इसमें इंक का लेवल मॉनिटर करना और इंक फिल करना बहुत इजी है इस प्रिंटर में आप बॉर्डरलेस फोटो प्रिंटिंग कर सकते हैं और इसका स्कैनर भी काफी नॉइज फ्री है अब चलिए इस प्रिंटर के डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इसके प्रिंट स्पीड एवरेज है इंक चार्जिंग थोड़ा नॉइजी भी है इस प्रिंटर में वाईफाई नहीं है सिर्फ यूएसबी के थ्रू ही आप इसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं इसमें ऑटोमेटिक ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं है यह मैनुअल ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग ही सपोर्ट करता है तो फ्रेंड्स ओवरऑल ये प्रिंटर काफी अच्छा है फ्रेंड्स इस प्रिंटर की लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फ्रेंड्स इस प्रिंटर कवर को भी मैंने एमेजोन से परचेस किया है आप इस आई बटन में क्लिक करके डिटेल वीडियो मेरे चैनल में देख सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग